अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिया फूड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटी चना चाट। चटपटी चना चाट बहुत ही क्रंची होगी, चटपटी होगी और स्पाइसी होगी। मैं बहुत सिंपल तरीके से ये चाट आपको बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैं एक बाउल लूँगी, उसके अंदर मैं चने शामिल करूंगी। चने जो थे वो मैंने एक पाव बॉईल करके रख दिए थे, वो सारे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 3 बॉइल्ड आलू, उनको अच्छे से स्लाइस कर लें और उसके बीच में डाल दें। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी एक प्याज। प्याज जो थी वो मैंने बारीक काट ली थी, जिस तरीके से आप काटना चाहें आप काटें, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। टमाटर मैंने 2 लिए थे, उनको बारीक काट लिया था, और सब्ज़ मिर्चें थी कुछ मेरे पास, वो भी मैंने काट ली और इसके अंदर शामिल कर दी। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, नमक हसबे जायका हसबे ज़रूरत जितना आप चाहें, चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा। अब ये मसाले डालने के बाद, जो बहुत ही आसान और सिंपल है, इसको डालने के बाद मैं अच्छे से हिलाऊंगी ताकि तमाम अज्जा जो हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी इमली का पानी, इमली का पल्प 1 प्याली मैंने पूरी इसके अंदर डाल दी। इसको दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये बना रही हूँ और मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है इमली का, जिसमें पल्प डला हुआ होता है या इमली का पानी होता है। कुछ लोगों को दही वाली अच्छी लगती है तो वो दही भी फेंट के इसके अंदर डाल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर पापड़ी स्प्रिंकल कर रही हूँ। पापड़ी जितनी डालना चाहें आप डाल सकते हैं, ये इसके अंदर एक क्रंची फ्लेवर देगा। ये सारी पापड़ी मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी है, डाल दी है। और लास्ट पे एज अ गार्निशिंग मैं इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। जो हमारी चना चाट है तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।